आप देख रहे हैं TNB। आज बंगाल में सातवें चरण का चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन आज के दिन कई जगहों से हिंसक घटनाएं भी हुई, जहां TMC के लोगों ने BJP कैंडिडेट और वोटरों के साथ मारपीट की। यहां जो लोग दिख रहे हैं वो साफ तौर पर TMC पर आरोप लगाते नजर आए, लेकिन चुनाव के माहौल में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तय करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हर पार्टी अपने तरफ से वोटरों को खींचने की कोशिश करती है। সব জায়গায় যেতে পারবে স্যার, এসে এসে সোজা গালি দিচ্ছে, বলতে তুমি কি করতে এসো এখানে, ও ক্যান্ডিডেট ও আসবে না কি আম লোক আসবে, আপনারা বলো আমাকে বোম গলি দেখাচ্ছে, বলতে যে লাইভ জন করে দেবো এমনি এই জায়গা পাঠাবো, এই রঞ্জিত সিং, এই রঞ্জিত সিং মাথা হিট মেরেছে, দেখিন দেখেন না মেশিনে পাঠ থেকে মেরেছে স্যার। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। इन सब के बीच हमारे रिपोर्टर जावेद अख्तर ने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की और उनकी राय ली कि आखिर कोरोना के दौर में चुनाव हो रहा है और बंगाल में केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इस पर उनकी क्या राय है। साथ ही उन्होंने ये जानने की भी कोशिश की कि बंगाल में हवा किस तरफ बह रही है। क्या कहा कांग्रेस के नेताओं ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का द नेशनल बुलेटिन में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूँ। आप जैसा कि जानते हैं सातवें चरण का चुनाव हुआ है और हमारे साथ यहाँ के कांग्रेस के नेता अशफाक साहब हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव हुआ है उसका क्या असर पड़ेगा, यहाँ दीदी की सरकार हो रही है या मोदी जी दोबारा मोदी जी का परिवर्तन होगा, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और इनका ख्याल भी जानेंगे। अशफाक साहब ये बताइए कि आज जो चुनाव हुआ है उस पर आपका क्या कहना है। आज का जहाँ तक चुनाव है तो देखिए बहुत शांति चुनाव हुआ और लोगों में देखिए उत्साह था, लेकिन कोई हड़बड़ी बोल के कुछ माने लूट या घसीट ऐसा कुछ नहीं था, लोग समझ के ही वोट दिए हैं। और वहाँ जो कैंडिडेट था संयुक्त मोर्चा का कैंडिडेट जिसको बोलते हैं हम, जनाब फवाद हलीम साहब, उसको लोगों के अंदर एक दिल में उनका चाहत था और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से वो निकलेंगे। और ये भी है कि वहाँ से वो तो निकलेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आपको हम बगल में पढ़ते हैं चौरंगी में भी जो लोगों का जो माहौल बना हुआ है आज के डेट में, वो संतोष कुमार पाठक को लोग ढाल के वोट देंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि बालीगंज से हमेशा से सुब्रत मुखर्जी जीतते रहे हैं, वो यहाँ के मेयर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे और पुराने नेता भी है, तो आपको क्या लगता है फवाद साहब उन्हें शिकस्त दे देंगे? बेशक देंगे। और किस कारण ये बताइए कि 10 साल में जो आज सुब्रत मुखर्जी का नाम ले रहे हैं, उनसे पूछिए, उसके वार्ड में जाइए, लोगों से पूछिए कि 10 साल में क्या 10 मिनट भी कभी नज़र आए हैं वो? तो ये सोच के भी अगर लोग आदमी वोट दे दे तो हम समझते हैं हम लोग बेवकूफ़ हैं। उसी तरह से यहाँ के नैना बंदोपाध्याय का मामला है, नैना बंदोपाध्याय 10 साल में कभी नज़र नहीं आती, जब वोट आता है तो बड़ी बड़ी बात बोला जाता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हैं लेकिन हम लोग कैसा बेवकूफ़ हैं जो हम लोग जान भी रहे हैं कि वो मिलती भी नहीं है, काम भी नहीं करती है, नज़र भी नहीं आती है, फिर भी हम उसको वोट देने जा रहे हैं, क्यों, क्या लालच है हमको नहीं समझ आता। चुनाव में अक्सर हर जगह हर पार्टी के नेता निकलते हैं और वोट मांगने के लिए जाते हैं, चुनाव के बाद वो फिर अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, वहाँ से काम होता है और वार्ड में ऑफिस बना देते हैं, वहाँ जाइए आप काम कराइए, तो ऐसा काम क्या नहीं हो रहा है? आप पूछिए उनसे, नैना बंदोपाध्याय का कोई वार्ड में ऐसा जगह है जहाँ वो बैठती है या कहाँ कहीं पे वो टाइम देती है? उनके लोग हैं, उनके हम क्या बोल रहे हैं, जो MLA का साइन, जब उनके घर में आप जाइए ना, एक कागज़ लेके जाइए, आपको नहीं मिलेगी, वो कभी नहीं साइन होगा। हम बता रहे हैं आपको, हम अपने वार्ड में 62 नंबर वार्ड में जो MLA का काम है, हम जाकर के MLA हॉस्टल में दूसरे MLA से काम कराते हैं, इस वार्ड के आदमी लोगों का काम, क्यों भाई बगल में तो है वो, क्यों नहीं करती है वो? अब फिर भी लोग अगर उसको वोट देते हैं तो भाई उनकी मर्ज़ी, हम तो उस पर जोर नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आप मिठाई को चखिए, आज इस मिठाई कहाँ है कल दूसरा मिठाई के भी खाने की कोशिश कीजिए कि उसका मज़ा कैसा है, जब तक आप चेंज नहीं कीजिएगा आपका वैल्यू नहीं होगा। तो चेंज करने से तो यहाँ BJP एक आ जाएगी लोगों में, जैसा हुआ बना हुआ। BJP यहाँ दूर दूर तक नहीं है, BJP का सुपड़ा साफ है और ये ममता बनर्जी जो BJP का डर दिखला रही है, ये ममता बनर्जी का देन है, BJP यहाँ था नहीं कुछ, ममता बनर्जी का मीडिया, ममता बनर्जी के लोग BJP बोल बोल के BJP को आसमान में लाई है और कांग्रेस और CPM के समर्थक को मार मार के भगाया गया है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी? सरकार इंशाल्लाह अगर हुआ तो
हम लोगों का सरकार ही बनेगा इंशाल्लाह, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मिलीजुली सरकार बनेगा। अब उस वक्त ये देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी को अगर सीट कमता है तो वो किससे हेल्प लेती है, या हम लोग को अगर सीट कम पड़ता है तो हम लोग किससे हेल्प लेंगे। ममता बनर्जी का मेरा आप गारंटी दे रहे हैं आपको हम कि फिर वो बीजेपी के साथ जाएगी। मैंने क्या आधार है आप इस तरह की बात कह रहे हैं? अभी भी जो लोग उसके लोग जो MLA जो जीत के जाएंगे ना, उसमें 25% लोग जीतने के बाद भागेंगे। उस वक्त क्या हुआ, जो लोग उनको वोट देंगे वो मजबूर हो जाएंगे कि हम लोग क्या किया, उन लोग पछताएंगे कि हम लोग क्या किया। आप अभी तो चुनाव हो गया है और एक चरण बाकी रहेगा। चुनाव हो गया कुछ जगह, बहुत जगह चुनाव बाकी भी तो है। हो किसी ये संयुक्त मोर्चा को कितनी सीटें मिल सकती है आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से 100 सीट के लगभग। और अगर घट रहा सरकार बनाने में तो ये पार्टी जिस तरह से हम लोग महाराष्ट्र में बनेगा, यहाँ भी क्यों नहीं बनेगा? दीदी को फिर बनेगा, हाँ बेशक बनेगा। और राहुल गांधी ने भी हम लोग बीजेपी को दूर रखेंगे। अब बीजेपी से ममता बनर्जी जो बोलती है कि बीजेपी से लड़ रही है, ये दिखावा है मेरे भाई। हर वक्त राज्यसभा में ममता बनर्जी ने बीजेपी को साथ दिया है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन में बीजेपी का साथ दिया है, और हर बिल वहाँ बनने के बाद जब यहाँ आती हैं तो यहाँ उनको गाली बकती है कि बीजेपी का हमें देखे ना, वो हम ये कर दो, वो हमें वही कर दो, ये पब्लिक के लिए नाटक करती है। उनकी कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रही होगी। बेशक मजबूरी है कि आप सारे लोग यहाँ जानते हैं, अगर वो उनके साथ नहीं जाएंगे तो सब अंदर जाएंगे। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी यहाँ आने वाला नहीं? बीजेपी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये मीडिया बना के रखा है, ममता बनर्जी के लोग बना के रखे हैं बीजेपी। हम लोग चौरंगी जीत रहे हैं। अच्छा। संतोष बालीगंज वगैरह हार रहे हैं? नहीं नहीं सब जीत रहे हैं। हाँ चौरंग नहीं नहीं बालीगंज भी जीत रहे हैं, भवानीपुर भी जीत रहे हैं। TMC को आप लोग क्या हरा दे रहे हैं? हाँ हरा दे रहे हैं। कांग्रेस आ रही है इस बार फिर? जी कांग्रेस आ रहे हैं। किस आधार पे बोल रहे हैं कांग्रेस आ रही है, जबकि लोग तो ज़्यादातर कांग्रेस वाले भी TMC को वोट दे रहे हैं? नहीं नहीं TMC वाले का हालत एकदम ख़राब है, एकदम डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। देख रहे हैं दोपहर में धूप में मीटिंग कर रहे हैं, बैठ के सबको चावल दे रहे हैं, डरा रहे हैं, घूम घूम के डरा रहे हैं। तो आप लोग क्या दे रहे हैं कांग्रेस के? हम लोग तो 3 महीना दिया, अभी को MLA ने देती तो काउंसिलर दे रहे हैं, काउंसिलर को अभी देने का क्या दरकार है? तो इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार होगी? सरकार तो ममते की होगी, मगर मिले जुले रहे तो कांग्रेस साथ। हाँ साथ देंगे। क्या लग रहा है आपको? वैसे ही लग रहा है जो वो बोले, सरकार हो रही है या खेला हो गया? खेला हो गए किंतु एक ऊपर नीचे हो गया। और कांग्रेस का क्या हाल रहेगा? कांग्रेस का हाल मोटा मोटी अच्छा ही देखने में आ रहा है, अब बाकी ऊपर वाले का। जी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए मेरा इंटरव्यू ले रहे, इसका लाख लाख शुक्रिया। आप ये 62 वार्ड में अब देख लीजिए, ये खेल हो रहा है, लोग ये बांट रहे वो बांट रहे, इतने डरे हुए हैं कि संतोष पाठक आने से उन लोग का जमीन हिल गया। ये संतोष पाठक तो यहाँ खड़े हुए हैं, हारे भी हैं। हाँ हारे, वो बाई इलेक्शन थे भाई, बाई इलेक्शन में 8 राउंड जीत के आए, 4600 वोट लिए, आवाम उनको पसंद किया, आवाम उनको आज भी पसंद कर रहे कि काम का आदमी है। हमको आवाम को चाहिए काम का आदमी। 10 साल रह के आप वार्ड में किसी चीज़ के लिए, किसी से लॉकडाउन में आप किसी से मिलने तक नहीं आए। आप एक MLA हो के कोई साइन लेने जाता है, आप एक साइन नहीं देते, बोलते मोदी नहीं की भैया, तो ऐसा होता नहीं है। MLA है आप, जीत के आवाम आपको जीत के भिजा रहा, आप काम नहीं कर रहे आवाम का, फिर हाथ जोड़ के आ रहे आप वोट मांग, ये तो नहीं होगा। ये बार चेंज करना, हाँ ये बार चेंज होना, संतोष पाठक को लाना। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता फैसल साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज चुनाव हुआ है 7वें चरण का, और इसी सिलसिले में बात करेंगे चुनाव के साथ साथ जो कोविड का महामारी है और बंगाल में भी ये तेज़ी के साथ फैलते जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है और इस बार क्या खेला होवे या परिवर्तन की सरकार होगी। फैसल साहब ये बताइए कि आज 7वें चरण का चुनाव हुआ है, आपको क्या लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार दोबारा आ रही है या परिवर्तन होगा जैसा कि बीजेपी वाले चाह रहे हैं? देखिए 4-5 चरणों के बाद ये बात स्पष्ट तौर पे क्लियर हो चुका है कि ममता बनर्जी का गवर्नमेंट फुल वेव में पश्चिम बंगाल में आ रही है। पूरा का पूरा बीजेपी का मोमेंटम, जैसे जैसे देखिए 4-5 फेज हुआ, बीजेपी का मोमेंटम डाउन हो गया। तो ये सवाल आज 8वें चरण में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं पहले से,
क्योंकि जो वेव देखा है मैंने, जैसे कि ये प्रचार शुरू हुआ था, तो मैं मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट से, उलबेरिया डिस्ट्रिक्ट से, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से लेते हुए कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, जादवपुर, मैं सब जगह काम किया। ज़मीनी स्तर में इनके पास वर्कर नहीं है, नेता नहीं थे, बस जो भी दिख रहा था इनका गोदी मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया चैनल्स हैं उनमें ही ये पूरा सरगर्मी नज़र आ रहा था। आपको भी, हमें भी पता है, इनका 6 से ज़्यादा रैली कैंसिल हो गया, बहुत सारे रैली में लोग नहीं जुड़े बोल के कैंसिल कर दिए। इनका कहीं कुछ अस्तित्व नहीं था, इनके पास कोई मुद्दे भी नहीं थे। तो दोबारा ममता बनर्जी का गवर्नमेंट इंशाल्लाह फुल फ्लेज में आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। जैसा कि आप कह रहे हैं कहीं इनका कुछ नहीं था, तो एक मेरा सवाल है कि 18 लोकसभा के 18 सीटों पर इनका कब्जा है आज के डेट में, 18 के हिसाब से देखें तो 128 सीटें इनके हाथ में, और बाकी 148 सीट में अगर ये जीत जाते हैं, थोड़ा और 20 तो सरकार बना लेंगे, तो आप कहाँ से ये कह रहे हैं कि इनका कोई कहीं कोई दबदबा नहीं? देखिए, आप थोड़ा सा गणित को समझ लीजिए। दिलीप घोष MLA से MP में बने, उसके बाद जब MLA का उनका बाय इलेक्शन हुआ वो तृणमूल जीता, बात को पहले समझिए। जब 18 MP की सीट बात कर रहे हैं तो लोगों का रुझान उस वक्त दिल्ली का गद्दी लेके होता है। मे भी नरेंद्र मोदी जी अपने इमेज को बरकरार रखने में कायम हुए, जो भी किए उनका प्रोपेगेंडा जो भी था उनका, सही था गलत था, लोग दिल्ली को देख के वोट कर रहे थे कि हमारे दिल्ली में प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन होता है तो वह बंगाल के लिए होता है, बंगाल की मिट्टी के लिए होता है, बंगाल के डेवलपमेंट के लिए होता है। तो टोटली MP इलेक्शन को आप MLA इलेक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आप तुलना नहीं कर सकते इसका। जब MLA का इलेक्शन हो रहा है तो लोगों का रुझान सीधा सीधी एकमात्र ममता बनर्जी पे है, क्योंकि बंगाल की सरजमीन में एक एक कदम पे जितना भी काम हुआ है वो ममता बनर्जी ने जो पिछले 10 सालों में किया है, ये पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया ने भी इसको सराहा, ये आपको और हमको सबको मालूम है। और जैसा कि जानते हैं कि जो सेंट्रल फोर्स है उस पर दीदी शुरू से एतराज़ करती रही हैं, और अभी भी आज भी उन्होंने कहा है कि सेंट्रल फोर्स जो है कैंप में, उन्होंने कहा सीधा कहा है कि हम कैंप में उनको ढूंढने नहीं देंगे क्योंकि ये लोग आके कोरोना वायरस फैला रहे हैं। इस पर आप, आपको नहीं लगता? अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी जब से कोरोना काल शुरू हुआ तो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, या तो उनका टेस्ट रिपोर्ट जमा हो रहा है, या तो उनको 14 दिन का क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, तो ये जो सेंट्रल फोर्स आए हैं इसका सारे सेंट्रल फोर्स का क्या कोरोना का टेस्ट का रिजल्ट रिपोर्ट बनाकर इलेक्शन कमीशन के थ्रू हमारे स्टेट गवर्नमेंट को जमा हुआ क्या? वी डोंट नो एनीथिंग। तो हमारा पूछना तो लाजमी है। और इसी बीच में जो महामारी फैला बंगाल में, आप गौर करके देखिए, ममता बनर्जी जब ये फेज भी बाकी था तब से वो बोल रही है इलेक्शन कमीशन को कि आप 3 फेज के इलेक्शन को एक साथ क्लब करके जल्दी से ख़त्म कर दो, सो डैट वी कैन टेक इनिशिएटिव टू सेव द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की ज़िंदगी हम बचाने में लगे। लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन ने प्रचार का टाइम को शॉर्ट करके किसी तरीके से, एक्चुअली क्या है कि तृणमूल कांग्रेस का जो मोमेंटम है ना, वो मोमेंटम देख के घबरा गए बीजेपी, और उसको घबराता हुआ देखकर इलेक्शन कमीशन से मिलकर, वरना क्या कोरोना रात में 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक फैलता है, उस वक्त तो लोग सोते हैं, मेन तो फैलेगा दिन में, तो दिन में प्रचार का समय रखा। तो प्रचार से इलेक्शन कमीशन का ये दो तरह का राजनीति या रणनीति, वो तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी लगता है कि बंगाल के जो भी जस्टिफाइड जो पब्लिक है उसके भी दिमाग में नहीं समझ में आ रहा होगा, ये घबराई हुई है ममता बनर्जी के। लेकिन अमित शाह ने कहा कि अभी बंगाल में ऐसी हालत नहीं है, ऐसी परिस्थिति नहीं है कि यहाँ पर जो है लॉकडाउन लगाया जाए, या उनका कहना है कि यहाँ अभी कोरोना नहीं है। देखिए, अमित शाह जी क्या कहते हैं ये तो अपने ज़बान से कह चुके हैं कि भाई मेरा बात का विश्वास मत करो, वो चुनावी जुमला होता है, हम चुनाव में कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनकी बातों को लेकर उस पर जवाब देना मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंस मुझे उनको देना चाहिए। लेकिन मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ कि अमित शाह जी की बात अलग है, और देश का जो आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उसके अलावा जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कमेटी सब बोल रहा है, परिस्थिति गंभीर है और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन या सरकार किसी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है। आज जस्टिस बनर्जी ने अपने एक बयान में कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर मर्डर का केस चलाना। यस, ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको, आज जो भी सेंसिबल आदमी है वो समझ रहा है कि कितना सेंसिटिव मैटर है। ममता ने बार बार बोला यार प्लीज़ इसको क्लब करके एक दिन में आज ख़त्म हो जाता तीनों फेज का इलेक्शन अगर चाहता तो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को 29 तारीख तक खींचा है। एक एक दिन में कितने कितने मामले बढ़ रहे हैं,
ममता बनर्जी चिंता में है। आखिर क्या कारण है ये लोग इतने खींच रहे हैं, इसके पीछे कुछ नहीं, खींच तो चुके हैं, इनका प्लानिंग अभी गड़बड़ा जाएगा तो इनको मुश्किल पड़ जाएगी। इन लोगों का जो प्रोपेगेंडा था, जो आठ फेज में इलेक्शन कमीशन जो इसको पहले ही डिसाइड किया, एक छोटा सा स्टेट का इलेक्शन में आठ फेज तक टाना, क्योंकि इनका टारगेट ही इलेक्शन होता नहीं है, जीतेंगे ममता को उखाड़ फेंकेंगे, फेंक देंगे, इनकी बातें इलेक्शन। मैं तो बहुत जगह पब्लिक मीटिंग में कहा, मुझे तो लग ही नहीं रहा है ये कि पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, ये तो लग रहा रोड साइड स्ट्रीट कॉर्नर का लुच्चा लफंगा लोग लड़ाई कर रहा है, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, पत्ता साफ हो गया, ओ दीदी, ओ ये वर्ड, ऐसा वर्ड कौन यूज़ करता है? हम लोग महल्लापाड़ा में हमारे इलाके में देखते थे बच्चे ये सब यूज़ करते थे, लुच्चा लोग, हमने कभी ऐसा सुना इस तरह की बातें? और ये जो कह रहे हैं कि 2 मई दीदी गई और इस पर आप बिल्कुल बोल तो रहे हैं, इनका बात जबानी ऐसे ही है। मैं तो सिंपल बात, आज ही मैं मीटिंग करके आज चार चार मैं मीटिंग अटेंड किया, बड़ा बाज़ार में ये मैं डेटा लेके खड़ा हुआ था, ये रिपोर्ट कार्ड लेके खड़ा हुआ था मैं कि तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में कितने स्कीम्स को लागू किया है और कितने लोग इसके बेनिफिशरी हुए हैं। 8,66,00,000 लोग अब तक डिफरेंट स्कीम्स में बेनिफिशरी हैं। पश्चिम बंगाल का पॉपुलेशन 10 करोड़ का है। ये होता है डेवलपमेंट का वादा करना और उसको पूरा करना, और इसके पीछे मैंने बीजेपी का एक रिपोर्ट कार्ड मैं लेके खड़ा हुआ था कि पिछले मोदी जी के 10 सालों में किस तरह देश कर्ज में डूबा है। 18,28,000 करोड़ का देश कर्ज में है और पिछले 7 सालों में मोदी जी ने कॉरपोरेट का 6,83,000 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया है। तो वो क्या बोलते हैं और वो क्या करते हैं, उनकी बोलने में और करनी में और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ममता बनर्जी जो बोलती है वो करती है, उस पर वो चलती है। लेकिन एक मसला साथ में ये भी है, बहुत चारों तरफ ये कहा जा रहा है ईवीएम का, उस पर आपका क्या? ईवीएम का मसला तो देखिए, ईवीएम पर अगर ख़तरा मंडराएगा तो समझ लीजिए इस देश का बच्चा बच्चा के ऊपर ख़तरा मंडरा रहा है। जिस दिन डेमोक्रेसी जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, लोग अपना मत नहीं डाल सकेंगे, लोग के मत के हिसाब से सरकार नहीं बनेगी, तो उस दिन ये देश का संविधान टूट जाएगा, देश टूट जाएगा। अब उस दिशा के तरफ कितना मोदी गवर्नमेंट काम कर रहा है इसमें पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग देख चुके हैं। चीफ जस्टिस से लेकर जो एक्स चीफ जस्टिस थे उनको सेक्स स्कैंडल में फंसाया गया, उसके बाद उनको बचाया गया, उसके बाद अयोध्या का रिजल्ट आया, उसके बाद उनको राज्यसभा का मेंबर दिया गया। ये सारा चीज़ देखकर तो यही लग रहा है कि देश का हर एक जो इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, CID है, CBI है, आपका जुडिशियल सर्विस है, या इलेक्शन कमीशन है, सब खतरे में है, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन हम तो अपना लोकतांत्रिक अधिकार से लड़ेंगे, पूरी लड़ेंगे, और उसके बाद रिजल्ट के बाद पता चलेगा। वरना ज़मीनी स्तर पे आपको भी पता है बीजेपी को 300 सीटों में 100 से ज़्यादा सीट पर तो 300 में से 294 में 100 से ज़्यादा सीट पर तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। पकड़ पकड़ के कोई TMC का कैंडिडेट का नाम डाल रहे हैं, शिखा मित्रा जी का नाम आप लोग सुन लिए होंगे, अनाउंसमेंट आ गया था, तो लोग बोल रहे हैं हम तो खड़ा होने मांग ही नहीं रहते। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं तो 100 सीट पर तो उनको ठीक से कैंडिडेट नहीं मिला, ये सरकार बनाने के 200 सीट की बात कर रहे हैं, तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। बाकी इलेक्शन कमीशन को कहाँ तक यूज़ कर पाते हैं रिजल्ट बताएगा, देखते हैं आगे क्या होगा। आपको क्या उम्मीद? उम्मीद मतलब पूरा यकीन है, जिस तरह से काम हुआ है, जहाँ पर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, जो पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, हम पब्लिक को जाके जब बोलते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं, नीचे से हाँ कहते हैं, तो उम्मीद की क्या बात है, पूरा यकीन है। जो नारा है दीदी का 2021, तो 221 सीट से हम लोग अब ऊपर जाएंगे, लास्ट टाइम से ज़्यादा सीट स्वीप करेंगे। दीदी ने बीच में ये भी कहा कि हमको 200 से ज़्यादा सीटों से जीतना चाहिए क्योंकि अभी भी हमारे पार्टी में गद्दार हैं, क्योंकि CPM वाले ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो बीजेपी नहीं है, वो TMC ही है। देखिए बीजेपी किसके साथ है ये हम लोगों को सबको समझ में आ रहा है। बीजेपी से 1-to-1 फाइट में पिछले साल जब आप जो आंकड़ा हमको दिए 18 सीट का, उस 18 सीट में भी ममता बनर्जी का वोट परसेंटेज 41 से बढ़ के 43% हुआ था, हमारा वोट परसेंट बड़ा था। और पिछले इलेक्शन से लास्ट इलेक्शन जो 18 सीट जीते हैं वहाँ पर आपका 7% से उठकर बीजेपी का वोट 32% में आया था। ये स्विंग आपका CPM का वोट बैंक था जो 32 से घट के 7 में गया था।
तो कौन बीजेपी का साथ है, कौन बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, ये अगर पर्टिकुलर आंकड़ा लेकर अगर किसी दिन बैठेंगे इस पर पर्टिकुलरली आप एक डिबेट रखिए, कांग्रेस का आदमी सामने रखिए, मैं आपको डेटा के साथ आपको साबित कर दूंगा कि ये लोग पूरे प्रोपेगेंडा के साथ बीजेपी के साथ मिलकर अंडरग्राउंड अंडरस्टैंडिंग करके ये गठनीति राजनीति सुगंधा मोर्चा फोर्चा क्या क्या बना के ममता बनर्जी को डिफीट करने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर ये अलायंस का फॉर्मेशन हुआ और उसी पे ये लोग काम किए। लेकिन आप एक बात जान के रखिए, दीदी को मुख्यमंत्री का बनर्जी का लड़ाई नहीं है ये, इस बार ये लड़ाई देश को, देश का संविधान को बचाने का लड़ाई है और इसमें हर कोई साथ है, कोई सीपीएम कोई कांग्रेस, जो सच्चा कांग्रेसी होगा वो इस संयुक्त मोर्चा को तो कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि जो सीपीएम के दौर में जितने यूथ कांग्रेस का मर्डर हुआ वो कोई सच्चा कांग्रेसी इनके साथ आएगा। आज छोड़िए, मैं चाहता हूँ कि सच्चा कम्युनिस्ट जो कहता था हम कभी कोई धर्म को नहीं मानते, कोई जात पात को नहीं मानते, एक पीरज़ादा फैमिली दरबार साहिब में जाकर हाथ मिलाते हैं, आप उसका साथ संयुक्त मोर्चा बनाते हैं, तो एक सच्चा कम्युनिस्ट होगा तो वो कभी भी किसी ISF जैसा पार्टी से अलायंस नहीं करेगा। तो ये जो अलायंस है ये बीजेपी की बिहाइंड हेड राजनीति हुआ है इसमें, लेकिन जनता जानती है, पब्लिक जानती है, बंगाल इंटेलेक्चुअल्स की ज़मीन है, बंगाल के लोग सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, आप देख लीजिएगा जो बंगाल 2021 में फैसला कर रहा है 2024 में आप दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान वही फैसला करेगा, इस सरकार को उठा उखाड़ के फेंक देगा, आप देख लीजिएगा। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अमित शाह की बातों का कोई भरोसा नहीं, वो चुनाव का वक्त है तो कुछ भी बोलते हैं और कोरोना के बढ़ते केसेस के लिए वो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में चुनाव को 8 चरणों में बांट दिया जो कि कोरोना के वक्त नहीं करना चाहिए था। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता दावा भी करते नजर आए कि वह जीत रहे हैं कुछ जगहों से। खैर, ये तो चलता रहेगा क्योंकि अभी भी चुनाव खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आखिरी पड़ाव जो है बाकी है, यानी 8वें चरण का चुनाव अब तक बाकी है। फिलहाल ये समझना मुश्किल है कि हवा किस तरफ बह रही है, लेकिन 2 मई को जब रिजल्ट आएगा तब मामला पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि बंगाल की सत्ता इस बार किसके हाथ आएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।